कि छोटे छोटे काम करके बात वही बक जा सकती, ठीक है कि प्रेपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। तो चलो गाइस अब तो खुशी खुशी बहुत मन इतना खुश हो रहा है ना, जो मम्मा की अपने भगवान जी और गणपति जी अब अपने बुक करवा के आए ना। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल चेंजर चॉइस व्लॉग। गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, बड़े दिनों के बाद शुरुआत हुई है फिर से, बड़े दिन की मतलब कि 10-12 दिन फिर से हो गए हैं, कोई ब्लॉग कोई वीडियो कोई शॉर्ट्स कुछ भी नहीं डाल रही थी, बस ऐसे ही, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वायरल फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, इधर भी सब कुछ यही हाल था, तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था कि कहीं आना जाना या कुछ भी करूँगी, बल्कि घर पर बैठ के भी कुछ उठने का भी मन भी नहीं कर रहा था, बहुत बुरा हाल था। तो शुक्र किया परमात्मा का, चलो सब थोड़ा बहुत स्टेबल होना शुरू हो गया है। बाकी ये नहीं कि क्यों नहीं बनाई या जो क्या हुआ कुछ भी नहीं, अब अपनी रूटीन सेट करनी होगी, रूटीन में कहती जरूर ऊपर ऊपर तक क्या, बीच में ना कोई ऐसी बात काम हो जाता है कि रूटीन थोड़ी सी ना अपसेट हो ही जाती है, पर नहीं अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी रूटीन सेट करूं जैसे मर्जी करूं। तो अब आगे आपको नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हेलो गाइज, तो गाइज अब मैं और बचा सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तैयारियाँ चल रही हैं, तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तो बजाज साहब हेलो, हेलो गाइस। तो बजाज साहब कह रहे थे अब बिल्कुल आज थोड़ा जल्दी आ गए, तो बजाज साहब कह रहे चलो चलते हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं गणपति जी देखने, बल्कि दो तीन जगह पंडाल लगे हुए हैं, आज देख के आएंगे, डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हम बुक करा के आएंगे तो फिर वो आपको जिस दिन हम गणपति जी घर में कहा फिर घर आके दर्शन कराएंगे, अभी तो आपको सारे गणपति भगवान के दर्शन करवाएंगे आपको। तो बस जा रहे हैं, जाके देखते हैं पंडाल, दो तीन जगह क्योंकि बजाज साहब ने कहा कि लगे हुए हैं तो वहाँ जाएंगे तो देखते हैं, चलो देखते हैं जाके आपको अभी डिसाइड करते हैं नहीं करते हैं वो जाके देखते हैं क्या है। बस तो चलो आप गाइस पहुँचने वाले हैं, पहुँच के फिर आपको भी दर्शन करवाते हैं, खुद भी करते हैं। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पंडाल में देखने के लिए, ये देखो गणपति जी गणेश नु मनाइए सारे काम रास होंगे। तो हेलो गाइस, अब बुक हमने करवा लिए हैं गणपति जी, तो बस हाँ जी बजाज साहब, हाँ जी जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको दर्शन करवाएंगे जिस दिन हम लेके आएंगे। तो चलो गाइस अब बस यही था मेरे को बताया कि आज हम ये काम हमारा हो गया है, उसके बाद अब घर की सफाइयाँ घर के काम जो भी है वो करेंगे, थोड़ा बहुत अब घर का जैसे मैं बता रही हूँ कि रेनोवेट करवाना थोड़ा बहुत है घर की साफ सफाई। देखो जब घर में कोई भी अच्छा काम करना हो ना तो सबसे पहले अपने घर की सफाई करो, घर को अच्छा सुंदर बनाओ ताकि परमात्मा जब आए पहले मन की सफाई फिर घर की सफाई, ठीक है जी। मन की हमारी सफाई है, ठीक है, बिल्कुल है, सही बात है। तो फिर घर की सफाई चलो। तो जैसा देखो इधर अब मैंने जो जो छोटे छोटे काम करवाने हैं ना तो आपने मेरे साथ जाना है, ठीक है जी, तो करवा के आने मतलब करके आने मेरे साथ, ठीक है। और बाकी एक दो काम है जैसे मेरे को चूल्हा लेना है वो लेके आऊंगी, जैसा कह रहे थे तेरे तो नखरे तेरे खर्चे, मैं कभी जैसा पता क्या होता है जब कोई भी ऐसे काम करो ना तो प्रेपरेशन जरूरी है, प्रेपरेशन जरूरी नहीं है, गैस नहीं चलते गैस चाय होंगे चाय रखो चाय नहीं बनती तो पता क्या आवाज जाती है चाय रखे के मार रखे बनने को नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे काम करके बात वही बक जा सकती, ठीक है कि प्रेपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। तो चलो गाइस अब तो खुशी खुशी बहुत मन इतना खुश हो रहा है ना, जो मम्मा की अपने भगवान जी और गणपति जी अब अपने बुक करवा के आए ना, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपको दर्शन करवाएंगे जब कि 19 सितंबर को है ना, 19 सितंबर को है, बस दिन रह गए हैं थोड़े, तो परमात्मा सब सुख रखे।
ओके। 12 बजने वाले हैं आज का व्लॉग, हम रात को 12 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो कुंवर ने फिर से बंद कर दिया, 11:59 हो गए, 59 हो गए है वो, इसलिए क्योंकि मम्मा हरी की है। तो गाइस हमने ना बजाज साहब के लिए रखा है सरप्राइज, बजाज साहब को कुछ नहीं पता, बजाज साहब रूम में हैं, हम लोग बाहर हैं। तो आरव को मैंने भेजा कि केक लेके आ जाके, आरव केक लेके आ गया है, तो मैं आपको आरव से मिलाती हूँ। हेलो आरव, आरव केक लेके आ गया, पापा को तो उठा ले दे, पापा ओ दे फोन गिरा दिया। आरव ने कैंडल जगा के केक लेके आ गया, मैं और आरव गए थे केक लेने के लिए, बजाज साहब को मैंने बोला केक लेके आना, कह रहे कल देखेंगे आज कुछ नहीं। आरव केक भी लेके आ गया कैंडल में, हेलो बेबी, आज फिर क्या है मम्मा आना की एनिवर्सरी मम्मा और की मम्मा पापा की दोनों की। तो हम बजाज साहब को देने लगे हैं सरप्राइज, या तो बजाज साहब को देते हैं आवाज, तो अंदर चलते हैं बजाज साहब के पास, वो उनकी लेटे हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता कुंवर रोसा कौन पापा को। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। तो चलो बजाज साहब को देते हैं सरप्राइज। हेलो बजाज साहब, वो देखो हैप्पी एनिवर्सरी, जैसा मच्छर मार रहे हो हैं, नहीं कल देखेंगे, मैं ऐसे कल देखेंगे। तो गाइस ये आ गया हमें कैनेडा से फोन, आप भी ज्वाइन करो हमारे साथ, ये देखो। तो गाइस इधर रखो इसको, ये हमारी गुड्डोला निकाल, चलो ऐसे चलो हर बाजे साथ में, नहीं काटो काटो, चलो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। मैं गाइस उल्टा नहीं हो रहा, मेरी मम्मी जा रही, चलो चलो नाम भी काटे दिया। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू थैंक यू। केक भी चोकोलावा केक है, लो आ ऊपर 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 आ गाइस मोमबत्तियां भी कितनी छोटी होगी देखो, ये तो करो, नहीं नहीं बुझानी है, ठहर भाई जी, देखो कितनी छोटी होगी, ये तो पिट्टू। हैप्पी एनिवर्सरी जैसा, सेम टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी, परमात्मा हम दोनों को खूब खुशियां दे, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। तो गाइस आज है मेजर बजाज साहब की एनिवर्सरी, थैंक यू आरव, थैंक यू कुक्का, पहले आ करो, पहले आ ऊपर करो ना, ऊपर करो तो जैसे कि आपको पता है कि गणपति जी आ रहे हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है, तो घर पे तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो मेरे को जैसे कि पहले सबसे पहले मैंने घर से स्टार्टिंग की है कि घर का काम जो थोड़ा थोड़ा करवाना है, किचन का बाहर सारा, वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या करवाने लगी हूँ। तो चलो बातें मैं आपसे करूँगी बाद में, पहले मैं आपको बताती हूँ कि भैया आ चुके हैं तो मैं क्या क्या करवाने लगी हूँ छोटे। तो ये देखो गाइस सामने, ये यहाँ पे था वॉश बेसन, वो था छोटा, बच्चे कह रहे मम्मा इसको हमने बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा लगाओ, वाली जो सिंक थी वो छोटी बहुत ज़्यादा है, बहुत छोटी, तो दो हमारी लग नहीं सकती, तो इसलिए मैंने इसको ही बड़ा, अब भैया आएंगे कटिंग वटिंग जो भी होगा करेंगे तो यहाँ पर सिंक लग जाएगी। तो बस तो चलो गाइस बस अब काम हो गए हैं स्टार्ट, तो ये काम हो जाएंगे आज उनके भैया वो, क्योंकि पहले मैंने उनको कहा कि टैंकी साफ, सबसे पहले टैंकी जरूरी है, टैंकी साफ होएगी तो उसके बाद ऊपर वाश बेसिन जो यहाँ से वाश बेसिन उतरा है वो ऊपर लग जाएगा गैलरी में, वहाँ पे जो गैलरी वाला वो छत पे लग जाएगा, क्योंकि वेस्ट कुछ नहीं करना है, सारे चीज़ें काम लेके आनी है, वो सारा काम भैया कह रहे मैं ऊपर से करके आता हूँ, फिर आके ये वाला वाश बेसिन लगाएंगे, फिर किचन का काम होगा, ये आज मेरे काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारे काम करो मैं, जैसे कि पता है कि छोटे छोटे काम, तो जैसे कि आपको गाइस पता है कि
वायरल, इतना फैला हुआ कि हमारे घर में इधर भी सबके सब पड़े हुए थे। इतना बुरा हाल था कि अभी तक सेटिंग नहीं हो रही, शरीर मतलब कि जो है ना ज्वाइंट्स भी पड़ रहा था। तो सब घरों में हमारे आमने सामने आज सबके ना कोई को सब किसी ना किसी को है ही है, इवन कि सबको ही हो रहा है। तो चलो परमात्मा करे सब ठीक हो जाए, तो अच्छे अच्छे काम करें। तो बस आज से ये घर की सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, अभी तो पहले ये काम होगा, फिर उसके बाद किचन साफ करेंगे, रूम साफ करेंगे सारे के सारे। तो मैंने दीदी को बोल दिया कि छुट्टी कोई नहीं करनी, काम करेंगे, काम करके सारे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 19 को है गणेश चतुर्थी, तो उस दिन ही हमें लेके आने हैं गणपति भगवान। तो बाकी सारे प्रोग्राम जो भी करूँगी, जैसे कि तैयारियाँ, शॉपिंग करेंगे, कपड़े वपड़े लेके आएंगे, जो भी पहनना है, तो सब की सब। तो आज से सबसे पहले तो ये काम हो गया, सो फिर भगवान के आने की तैयारियाँ चालू हो चुकी हैं। अब आपको अच्छे अच्छे नए नए व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि बड़ी देर बाद आई, फिर काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो ये क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है कि घर पे सब बीमार थे, कुछ मन नहीं कर रहा था कहीं आने का जाने का कुछ भी, केवल कि कुछ किया भी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये वायरल जो फैला हुआ ना बहुत ज़्यादा। मैं यही कहूँगी कि सब बच के रहो, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो, सब खाओ पियो अच्छे से, नींबू पानी हो गया, शिकंजवी हो गई, सॉरी नींबू पानी हो गया, फिर उसके बाद मौसम्मी हो गई, कीवी हो गई, नारियल पानी होगा, ये चीज़ें अपनी डाइट प्रॉपर रखो ताकि अपने स्वस्थ रहो। गाइस नेक्स्ट इन द मॉर्निंग, तो जैसे कि मैंने आपको मतलब बताया था कि घर पे छोटे छोटे काम करवाने वाले थे, कल भैया आए थे, सारा काम करके चल गए, काफ़ी लेट गए क्योंकि काम छोटा छोटा था काफ़ी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक मतलब कि बाहर वाशिंग मशीन बड़े बच्चों ने कहा पड़ा लगाओ, वो लगाया, अंदर सिंक चेंज करवाई, छोटे और छोटे छोटे काम, कोई ऊपर टैप खराबी, कोई नीदर टैप खराबी, कुछ ना कुछ था घर पे, सारा काम कल भैया करके चले गए। मैंने भैया को बोला कि मैंने ये एक दो दिन नहीं लगाना, एक दिन में सारा काम करके कंप्लीट करके चले जाना, टाइम लगा लेना एक्स्ट्रा। तो चलो जी सारा काम हो गया, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस अब बजाज साहब आएंगे, मैंने बजाज साहब को मैंने फ़ोन किया तो कह रहे तू रेडी रही, आज जाएंगे बच्चों के लिए कपड़े देखने, बच्चों ने जो जो डालना है उन्होंने बोला कि हमने ये चीज़ डालनी है, तो वो देखने जाएंगे, अगर पसंद रेडीमेड आ गया रेडीमेड ले आएंगे, अगर सिलवाना पड़ा तो सिलवा लेंगे, जैसे भी जो भी होगा। तो बजाज साहब आते हैं तो मैं उनके साथ चलती हूँ, रेडी मैं हो चुकी हूँ, तो बस उसके बाद मेरे को अपने ही शॉपिंग करनी है, फिर उसके बाद घर की साफ़ सफाई शुरू हो जानी है, क्योंकि ये तो साफ़ सफाई हुई है कि जो जो मेरे को रेनोवेट करवाना था घर का सामान वो हो गया। अब साफ़ सफाई जैसे दीवारें हो गई, पंखे हो गए, सारा नीट एंड क्लीन, कर्टन्स हो गए, मतलब कि सारे छोटे छोटे काम जो है करके सारे सफाया साफ़ सफाई करनी। चलो अब बस शुरू हो जाएंगे प्रोग्राम, अब से मतलब कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं, तो बाकी और बड़े काम है, तो टाइम निकले जा रहा है, टाइम ऐसे भाग रहा है फटाफट। चलो अच्छी बात है, टाइम जल निकलेगा तो अच्छा टाइम आएगा। तो गाइस ये देखो, ये लगवाया हमने बड़े वाला वॉश बेसन, और ये हमारा मिरर, तो ये हमारी पूरी की पूरी स्पेट्री हो गई, ये देखो। तो ये यहाँ पे हो गया, जो यहाँ पे था वो ऊपर गैलरी में लग गया। तो बस ये घर काम अब नीट एंड क्लीन सारा हो गया है इन द मॉर्निंग। तो गाइस जैसे कि आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं रेडी हो चुकी हूँ, नहा हूँ लिया है, फ्री भी हो चुके हैं, बच्चों ने भी नहा लिया, अब जा सब नहा लिया, सब नहा के हो चुके हैं फ्री, आज टाइम से उड़ के टह रहेंगे। तो बस अब जाके पहले बच्चों के कपड़े देखे हूँ, क्योंकि टाइम रह गया थोड़ा, तो दर्जी जो होते हैं मतलब कि टेलर है उन्होंने सिलने में भी टाइम लगाना है, हफ्ता 10-15 दिन लगा ही देते हैं सिलने में, तो इसलिए मेरे को था कि मैं आज ही दे आती हूँ, तो हफ्ते तक वो दे देंगे कपड़े बच्चों के और बजाज साहब का भी। तो चलो बस फिर उसके बाद मेरे को जाना है अपने कपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो अपने लिए मैंने लेने जाना, आज नहीं जाऊँगी वो, मैं जाऊँगी कल या परसों। तो चलो जी बाकी मेन काम हो गए हैं, तो छोटे छोटे काम जो होते हैं ये छोटे काम ही टाइम लगाते हैं, तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, और जाके आज कोशिश मेरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाए जाए। Thank you.
दर्शन, आपको कहना पड़ेगा। वो क्या क्या कहना पड़ेगा? राधे राधे राधे, हो हो हो।